मजा आता है भाई वहाँ पे आने के बाद में अरावली में, एक नंबर की जगह भाई, दिल मजा आता है यहाँ पे भाई। यहाँ पर पूरे घुमाए हुए तरफ से भाई मजा तो आता है, लेकिन ऑफ रोडिंग करने में चाहे आप कुछ भी कहो, कोई चाहे कुछ भी कहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो भाई आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और भाई मैं पहुंच चुका हूं अभी बदरपुर से बाहर, और मैं जा रहा हूं भाई आज संडे राइड के लिए। वैसे तो आज तो प्लान था नहीं भाई संडे राइड का मेरा, आज थी हमारी एक लॉन्ग राइड जो कि थी भाई मथुरा की, और मथुरा मैं जा नहीं पाया भाई क्योंकि मेरे पास कल एक सैटरडे, मतलब मेरे पास एक कॉल आ गई इमरजेंसी ऑफिस से, तो मेरे को आज ऑफिस जाना है इवनिंग में, कुछ एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग, तो मैंने मथुरा राइड फिर कैंसिल करनी पड़ी। बाकी मुझे बाकी सब लोग गए राइड पे, वीकेडी और वीकेडी गया, मोहित गया है, रतन भाई N60 वाला भाई गया हमारा, और पता नहीं भाई और भी कौन कौन गया क्योंकि एक दो लोग शायद नए भी आने वाले थे इस वाली राइड पे, तो भाई अपना तो जा नहीं पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई शॉर्ट संडे राइड पे, मतलब छोटी भी करेंगे ज़्यादा लंबी नहीं जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं निकला हूँ भाई धोला कुआं के लिए, क्योंकि धोला कुआं पे मुझे मिलने वाला है करण, तो करण और मैं बस हम दोनों ही जाएंगे। और फराज भाई भी थे, फराज भाई को फ़ोन किया था वो उठे नहीं। बाकी मेरे को भी आज डाउन लग रहा था तबीयत, तो मेरा मन नहीं था जाने का। मैंने करण को मैसेज किया तो करण ने बोला कि भाई मैं निकल चुका हूँ। मैंने कहा भाई निकल चुका है तो चल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ निकलने की, तो मैंने कहा चलो भाई जब एक निकल गया है तो फिर निकल ही जाते हैं, जब हम तो है ही दो ही लोग, तो आज तो आज ज़्यादा लंबी राइड नहीं करेंगे, बस शॉर्ट राइड ही करेंगे। तो देखते हैं भाई कहाँ जाएंगे, अभी हमने कोई जगह भी डिसाइड नहीं की है। मैंने कहा भाई जब मिलेंगे तभी डिसाइड कर लेंगे साथ के साथ ही। और 15 अगस्त की चेकिंग की वजह से भाई पुलिस खड़ी है काफ़ी यहाँ पे सामने, अपने पीछे में था भाई टेम्पो। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ भाई ढोलक वहाँ के हाथ में ही कर रहा भाई, अभी हमने कोई जगह डिसाइड नहीं किया कि हमें जाना कहाँ पर है, तो अभी जाके डिसाइड करेंगे। तो पहले पहुँचते हैं भाई ढोलक वहाँ, तो सुबह सुबह का भाई मौसम हो रहा है एक नंबर भाई। दो तीन संडे राइड हमने करी नहीं है बीच में ही, मतलब एक संडे राइड हमने की नहीं थी क्योंकि जो कम्यून हुआ था अभी हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से राइड हमने कैंसिल रखी थी, जिसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इस संडे को एंजॉय किया जाए, तो शॉर्ट राइड से ही कर लेते हैं। चलो भाई मथुरा तो नहीं जा पा रहे किसी रीजन से, बता दिया मैंने आपको, अभी तो यहीं जाते हैं और देखते फिर कहाँ जाएंगे। चलो एक बार करण आ जाए, करण के साथ मिल लेता हूँ मैं। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, 5:45 का टाइम रखा था हमने वहाँ पे, लेकिन अभी 5:50 बंदर को यहीं हो गए हैं, और करण देने वाला है मुझे भर भर के गालियाँ भाई। यहाँ पर अपने को मिल चुका है करण, क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल भाई। बहुत दिनों बाद आज राइड हो रही है अपनी। कैमरा से शूट कर रहा हूँ, फोन से नहीं कर रहा है। नहीं आज मोबाइल इससे ठीक है, कैमरे से यार बार बार मोबाइल निकालना रखना डेटा ट्रांसफर करना एक ही बार में काम हो जाता है फोन से ना। तो आज तो भाई सारे लोग गए हुए हैं अपना लॉन्ग राइड पे, हम ही दो हैं शॉर्ट राइड पे, तो आज भाई बस हम ही दो हैं शॉर्ट राइड पे। मैं और करण, फराज भाई को फोन किया था, फराज ने उठाया नहीं, और टाइम हो गया है भाई 6:00 कितने मिनट हो गए, 6:28 और हम खड़े हैं फिलहाल अभी ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी चलते हैं, पहले तो इसको फ्यूल अप करवाते हैं क्योंकि भाई फ्यूल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद चलते हैं लोग आगे की तरफ। आगे की तरफ भाई आज हम जा रहे हैं अरावली हिल्स में, बताया था आपको, क्योंकि भाई ज़्यादा बंदे हैं नहीं, हम दो ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अरावली हिल से चला जाए, तो अरावली हिल्स जा रहे हैं। तो भाई चीते को लग गई प्यास, तो चीते को लिया है हम खून पिलाने के लिए, क्योंकि भाई ये तो पेट्रोल थोड़ी पीता है, ये तो खून ही पीता है ना चीता ये, तो उसको चीते को लिया है खून पिलाने के लिए भी इसको खून। तो भाई यहाँ पे पिलाया जा रहा है चीते को खून, तो उसको पूरा करवा देते हैं एक बार 355 लीटर। पेट्रोल वगैरह डलवा लिया और अब निकलते हैं हम लोग हाई अरावली हिल्स की तरफ। भाई मेरे को ना लग रहा है कि वॉइस में जो है ना नॉइस आ रही है, मतलब विसल आ रही है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं भाई आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है कैसी नहीं हो रही होगी यार, बड़ी दिक्कत होने लगी है माइक के साथ में ना। एक चीज़ ये कहूँगा भाई, मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ मैं नहीं गया भाई, जब वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर अपनी एक और चीज़ भाई की, अपनी जो स्कूटी है भाई वो 2700 किलोमीटर कम्प्लीट हो गए हैं भाई इसके, तो
ये भी एक अच्छी चीज हो गई कि भाई इतनी मैंने चला दी। और कहता है मेरी जो स्कूटी है मतलब चीता है ये सिर्फ संडे संडे को ही चलता है भाई, बाकी दिन तो घर में ऐसे खड़ा रहता है क्योंकि कोई चलाने वाला इसको है नहीं, बस मैं ही चलाता हूँ। और मेरे जब ऑफिस की छुट्टी होती है मतलब संडे को तभी चलता है, नहीं तो ऐसे खड़ा रहता है घर में। कभी कभी तो भाई सैटरडे को भी ऐसे खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो बस आज है मैं और करण, तो करण ने भाई बढ़िया एक झंडा लगा रखा अपने। तो भाई इस रोड पे आके ना एक अलग ही तरह की वाइब्स आती है भाई, मतलब ना बढ़िया लगता है ना ये वाला रोड एकदम खुला। और हमारे जो साथ में है भाई पूरा एयरपोर्ट है राइट साइड में हमारे, और लेफ्ट साइड में है आर्मी एरिया कैंट एरिया। तो भाई इस रोड की अलग ही भाई बात है, एकदम चौड़े चौड़े रोड खुला एकदम खाली रहता है भाई संडे को। यही आ रहे हैं ना वो तो देखो दूर से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, अपने बिल्कुल सामने में ही है अरावली हिल्स जो कि यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का जो व्यू और जो नज़ारे आते हैं ना भाई वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल रहते हैं। और आज हो क्या गया पता नहीं भाई, बहुत लोग सभी लोग रॉन्ग साइड जो आ रहे हैं, देखना बाइकर वाइकर जितने भी आ रहे हैं सब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये देखो ये देखो दो दो तीन तीन लदे हुए हैं और रॉन्ग साइड आए जा रहे हैं। बस व्यू इंजॉय करो। दोनों तरफ खेती खेत, सामने में अरावली, वाह आनंद। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह भाई बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है अंदर बना हुआ। ये जो कर्व आते हैं ना भाई छोटे छोटे यहाँ पे छोटे मोटे जो कर्व्स आते हैं भाई ये लगते हैं एक नंबर के जबरदस्त। कभी कभी बस रोड एंजॉय करो आप। आज बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा, पर दिखाने के लिए रोड है बहुत ही बढ़िया जिसको आप अच्छे से एंजॉय करोगे। ये ऐसे ऐसे जो कर्व्स आते हैं ना ये बहुत ख़तरनाक होते हैं भाई। वो देखो एयर सफारी भी होती है भाई यहाँ पर, तो ये भाई एयर सफारी नियर बाय लेपर्ड ट्रेल, मैगी मोमोस चाय पाए सब कुछ मिलेगा यहाँ पर सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे ऑफ रोडिंग, उसके बाद देखेंगे जो भी करना है। ऑफ रोड भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उस दिन से जब हम पहले आए थे वो जूता गया। तो भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है उस दिन से जब पहले आए थे हम। ओए लॉट्स ऑफ बाइकर्स, पत्थर देखो भाई कितने हैं यहाँ, भर भर के पत्थर पड़े हैं, भर भर के पत्थर। वाह उधर से ले करन, उधर से Yeah.
काटूंगा। तो लास्ट यही तक ही आए थे। यहाँ पर आगे ना शूट करने के लिए सही जगह है। फाइनली ऑफ रोडिंग करते कराते पहुंच गए हैं भाई अरावली हिल्स में ऊपर की तरफ, और अब यहाँ पे लगा रहे हैं स्कूटी और बाइक। भाई बाइक पे देखो तिरंगा क्या बढ़िया लग रहा है। 15 अगस्त के लिए झंडा लगाया करण ने, तो यहाँ पर अभी लगा के भाई रील वील शूट करेंगे बढ़िया से। आज अब कोई है नहीं भाई, हम दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी भाई एंजॉय पूरा कर रहे हैं, एंजॉय में कोई कमी नहीं है, क्यों करण? बिल्कुल भाई बिल्कुल। वो सब लोग कर रहे हैं मथुरा की राइड एंजॉय, लेकिन ये भी नहीं जा पाया किसी रीजन से, और भाई मैं भी नहीं जा पाया, तो चलो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट राइड पर जाएंगे। वैसे भी जो इसके बाद नेक्स्ट राइड है हमारी सेप्टेम्बर में, वो लॉन्ग राइड है, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो भाई यहाँ पे रील वगैरह शूट कर ली भाई अपनी, मैंने भी कर ली, करण ने भी कर ली भाई, करण ने फोटो क्लिक करी है बहुत जबरदस्त, जो आपको देखने की मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी यहीं पर नीचे आ रही होगी Nitin9300_। तो भाई इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो किया करो, क्योंकि सबसे पहली अपडेट ना हम वहीं पर ही रखते हैं अपनी, जो भी चीज़ हम करते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमेशा आप अपडेट रहोगे हमारे साथ में। और भाई यहाँ पर वो अपना व्लॉग शूट कर रहा है, और भाई ये देखो बस आज हम दो ही थे। ये देखो भाई क्या सही लग रही है भाई अपनी स्कूटी और ये वाली बाइक हंक। तो अभी फिलहाल यहाँ से हम उतर रहे भाई नीचे की तरफ, नीचे जाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे फिर अपना घर चले जाएंगे, क्योंकि भाई शाम को मेरा ऑफिस, आज ऑफिस की वजह से ही मैं मथुरा की राइड भी नहीं कर पाया। और स्टार्टिंग की जो वीडियो थी भाई, मैं वीसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है उसमें वीसा ला रहा था, तो वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, तो यार ये ना बड़ी टेंशन हो गई मेरे लिए वॉइस वगैरह के लिए, तो इसको सोच रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ तो भाई जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ अभी, माइक अडेप्टर का इशू लग रहा है मेरे को, तो वो भी सही हो जाएगा थोड़े दिनों में, बस कुछ दिन की बात है, या तो कैमरा ही चेंज कर देंगे या माइक दूसरा ले लूँगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग का पार्ट में ना भी डालूँ, बीच में से वीडियो आज स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब के लिए टिल देन बाय 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 बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ भाई सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज जो ये 13 तारीख और 15 तारीख का है हमारा स्वतंत्रता दिवस भारत का, हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो जय हिंद जय भारत, बाय बाय।